दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल प्रेम वाजपेयी टूटी फूटी आवाज़ में। आपको बता दें कि आज ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है, परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है, जो आज बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जगह जगह पर उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं पर उनके चित्र पर माल्यार्पण करने के बाद उनके जीवन, कला और परिचय पर प्रकाश डाला जा रहा है बारी बारी से लोगों ने। वहीं पर ग्रामीण अंचलों में भी अटल जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी जयंती मनाई गई। कस्बा अटल चौक पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लोकप्रिय श्योता के विधायक ज्ञान तिवारी चौकीदार अपने लाव लश्कर के साथ पहुँचे और वहीं पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी अटल बिहारी अटल चौक पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उनके जीवन परिचय पर का डाला। आइए बताते हैं और जय घोष नारे के साथ क्या बोले श्योता के विधायक और उनके साथी भारतीय जनता पार्टी के। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, जिसे भारतीय जनता पार्टी सुशासन दिवस के रूप में मनाती चली आ रही है। आज इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा। अटल बिहारी वाजपेयी अमर है, अमर है। अटल बिहारी वाजपेयी अमर है, अमर है। अध्यक्ष के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, विपक्ष के नेता के रूप में और भारत देश के तीन बार प्रधानमंत्री रहने का जिन्हें गौरव प्राप्त हुआ, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर मैं चाहूंगा कि आदरणीय विधायक जी से अनुरोध है कि उनके जीवन वृत्त पर कुछ प्रकाश डालें। वंदे 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 अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे, अमर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में हर बूथ स्तर पे, पूरे देश भर में, पूरे हर गौरव उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो हम सब लोगों को, कार्यकर्ताओं को एक वट वृक्ष के रूप में रहते हुए हम कार्यकर्ताओं को जो आशीर्वाद दिया और जो सदन में बोल करके गए थे कि आज हमारा बहुमत कम है, आज आप लोग मुझे हंस रहे हो, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ और एक दिन वो आएगा जब आपको विपक्ष में बैठने लायक नहीं सीट मिलेगी। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया था, जो उन्होंने हमें प्रेरणा दी थी और उस पद के लोग चलते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी के, भूपेश चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे कर्नाटक तक एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना थी, श्रद्धेय अटल जी की, उस परिकल्पना को साकार करने के लिए अनवरत हम सब कार्यकर्ता अपने पूरी तरीके से मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। एक सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ एक मास्टर, एक अध्यापक का श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी के घर में जन्म लिए, एक अध्यापक के घर में जन्म ले करके, और उन्होंने जो अपने आगरा के मास्कटेश्वर गांव में, एक छोटे से गांव में
से होकर के फिर रियासत की ग्वालियर में जहां उनके पिताजी अध्यापक का काम करते थे वहां जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद एक आरएसएस के प्रचारक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में और तीन तीन बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और जनसंघ के रूप में, और वो हम ये कह सकते हैं जनसंघ के जो फाउंडर मेंबर थे पंडित दीनदयाल देशमुख जी, उनके साथ में किस तरीके से उन्होंने काम करते करते और शिखर से पहुंचाने का काम किया है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आज हम अपनी तरफ से, अपने चौथा विधानसभा की तरफ से सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आज इस सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा ये उत्सव, हम आज संकल्प लेकर के जाएंगे आने वाले समय में पूरा जो भी थोड़ी बहुत कमियां बची है उन कमियों को पूरा करके अब की बार 1.5 लाख पार का जो नारा है उस नारे को साकार मन को बड़ा करते हुए और पूरे देश में पूरी किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। और अपने सीतापुर में भी 9 में से 8 विधानसभाएं, 4 की 4 लोकसभा जो आप कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत के साथ चल रही है। इतना ही नहीं है, आपने जिस तरीके देखा अंत्योदय योजना, गरीबों के लिए आश्वासन की आवास की जो सारी योजनाएं अटल जी ने दी थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और इस तरीके से जो आगे देश को बढ़ाने का काम किया है, उसी तरीके से आदरणीय मोदी जी भी गांव के किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले किसान के लिए नरेंद्र मोदी ऐप भारतीय जनमानस के लिए